देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। कड़ी धूप की वजह से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इस तपती गर्मी से जानवरों को भी राहत नहीं है। ऐसे में मुंबई के भायखला चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ जानवरों के लिए छोटे छोटे तालाब तैयार करवाए गए हैं ताकि उन्हें चलचलाती गर्मी न सताए। पशु चिकित्सक डॉक्टर कोमल राउल ने बताया, यहाँ हर जगह तालाब व झरने हैं। जानवरों को जब गर्मी लगती है वे जाकर बैठ जाते हैं। जब तापमान ज्यादा होता है तब हम उनके बाड़े में पानी का छिड़काव करते हैं। ये तो सारे एग्जिबिट में वाटर बॉडी है या पॉन्ड है और धबधबा जिसको वाटरफॉल बोलते हैं, तो इससे जब भी जानवर को गर्मी महसूस होती है वो ऑटोमेटिकली वहां पे जाके बैठ जाता है। अगर आप देखेंगे तो शक्ति नाम का जो हमारा टाइगर है उसको पानी में छलांग मारना बहुत पसंद है, तो पीक समय में सुबह और शाम को वो काफी सारी छलांग मार के अपना बॉडी टेम्परेचर कूल करता है। वो काफी देर तक दोपहर में कांच के सामने बैठा रहता है अपना बॉडी टेम्परेचर कम करने के लिए। और तेंदुआ जैसा जो जानवर है जिसको पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो भी पानी में जाके बैठता है, तो जब हम उनको सुविधा देंगे तो ऑटोमेटिकली वो अपना एक तो वो शेल्टर में जाके बैठेंगे या छाव में जाके बैठेंगे। और हम लोग बहुत ही अगर गर्मी होता है, जैसे कल का टेम्परेचर मुंबई का 40 डिग्रीज था, तो हम लोग जो उनका फीड हाउस रहता है जहाँ पे हम लोग उनको खाना देते हैं तो वो थोड़ा पानी से हल्का हल्का मारेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो भी टेम्परेचर कम होता है, फिर रात में भी उनको गर्मी नहीं लगता है। और हमारे जो फीड हाउसेस डिजाइन जो किए हैं उसमें हर एक में विंडो है, क्रॉस वेंटिलेशन होता है, तो उनको ज्यादा तकलीफ नहीं होता है। साथ ही यहाँ जानवरों के बाड़ों में लगातार पानी की बौछार का भी इंतजाम किया गया है। वहीं कुछ जानवरों की डाइट में भी चेंज किया गया है। फूड एनरिचमेंट हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, उसमें एक तरीका है आइस केक या आइस लॉलीज बनाना। तो उसमें हम लोग जो ये नॉर्मली खाते हैं फ्रूट्स, मतलब एप्पल, पेयर, वाटरमेलन, पपाया, चीकू, जो यही सब को हम लोग छोटा छोटा टुकड़ा करके उसको फ्रीजर में डालते हैं। उसमें थोड़ा सा शहद या शुगर केन जूस ये डाल के उसका एक आइस केक बनाते हैं जो हम लोग हाथी को देते हैं, भालू को देते हैं, और उसका ही आइस लॉलीज जैसे हम लोग कुल्फी का कैंडी करते हैं वैसा कैंडीज बनाते हैं जो हम लोग बंदर को देते हैं। तो ये खाने में उनका काफी सारा टाइम जाता है, उनका समय उसमें मतलब वो निकालने के लिए, वो चीज खाने के लिए ठंडा है तो उनको अच्छा लगता है और वो काफी सारा समय बीत जाता है, तो इसको फूड एनरिचमेंट बोलते हैं। ये हम लोग हफ्ते में एक या दो बार करते हैं।